तो आज हम लोग जेई मेंस 2020 में 8 जनवरी को जो इवनिंग सेशन में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। पहला सवाल जो है वो सेंटर मास का है। इसमें बताया गया एज शोन इन फिगर व्हेन अ स्फेरिकल कैविटी सेंटर्ड एट ओ ऑफ रेडियस 1 इज कट आउट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर विच इज सेंटर्ड एट सी द सेंटर मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्फीयर इज एट जी ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी देन आर कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। ये चार इक्वेशन दिए गए हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया गया है कि एक बड़ा सा स्फीयर है, इस स्फीयर का जो सेंटर है वो सी पर है, ठीक। इसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी काटा गया, इस कैविटी का सेंटर ओ पर है, ठीक। इस कैविटी का रेडियस दिया गया है 1 और जो कंप्लीट स्फीयर था उसका रेडियस है आर। अब कहा गया कि जो रिमेनिंग पार्ट है, जो शेडेड पार्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास कैविटी के सरफेस पर यानी यहां पर पॉइंट जी पर पड़ रहा है ना। तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहां पर है ना, कंप्लीट वाले का सेंटर ऑफ मास यहां पर है और होल जो है उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। तो ये जो R है, R की वैल्यू किस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, वो इक्वेशन हमें फाइंड करना है। एक्चुअली में उसके लिए एक रिलेशन पता करना पड़ेगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर दो पार्टिकल सिस्टम है ना, टू पार्टिकल सिस्टम, एक है मास M1 का और दूसरा है M2 मास का, अगर इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास सपोज C पर है, यहाँ से R1 डिस्टेंस पर और यहाँ से R2 डिस्टेंस पर, तो हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, M1R1 इज इक्वल टू M2R2। मतलब जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। अगर छोटा मास होगा तो सेंटर ऑफ मास से दूर चले जाएगा और हेवी मास होगा तो सेंटर ऑफ मास के पास में होगा। या यूं कहें कि हेवी मास के पास में सेंटर ऑफ मास होता है और जो छोटा सा मास है, जो लाइटर मास है, उससे दूर सेंटर ऑफ मास चला जाता है, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। देखेंगे कि ये जो कंप्लीट स्फेयर है वो दो ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना है, एक तो ये रिमेनिंग पार्ट और ये जो हॉलो पार्ट। अगर यहाँ भी मास होता तो इसको मिला देते, जो हॉलो पार्ट है इसका मास और रिमेनिंग पार्ट का मास मिलाएंगे तो कंप्लीट स्फेयर बनेगा, है ना। तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि दो पार्ट है, एक रिमेनिंग पार्ट जो है उसका सेंटर ऑफ मास जी पर है, जी पर रिमेनिंग पार्ट का मास रख देंगे और जो पॉइंट ओ है यहां पर किसका मास रखेंगे, ये होल का, होल का सेंटर ऑफ मास यहां पर है। तो होल मतलब कि जब यहां पर होल नहीं होता, जब यहां पर मास होता तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां होता, ठीक। तो सपोज यहां भी पूरा मास भरा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट में मास भरा हो तो कंप्लीट स्फीयर बनेगा। कंप्लीट स्फीयर का सेंटर मास कहां पर है, सी पर, है ना, ये है पॉइंट सी। तो ये दोनों जो पार्टिकल कह सकते हैं, ये दो पार्टिकल हैं, उनका उनका कंबाइंड सेंटर मास सी पर है, यानी होल वाला पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, दोनों को मिला करके जो सेंटर मास है वो कंप्लीट स्फीयर के सेंटर पर होगा। अगर इसका मास ही पूरा भर देंगे, रिमेनिंग पार्ट का मास ही भरा हुआ, तो कंप्लीट स्फीयर बनेगा जिसका सेंटर मास सी पर होगा। तो ऐसा देखेंगे, यहां से ये जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा और ये डिस्टेंस कितना आएगा, सी से ओ का डिस्टेंस निकालेंगे। यहां से ये जो डिस्टेंस है ये है आर और इसका रेडियस है 1, है ना। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आर माइनस 1, ये हो गया आर माइनस 1, ठीक। अब ये डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा 2 माइनस आर। कैसे आएगा देख सकते हैं, यहां से यहां ये जो पूरा है ये 2 है, इसका रेडियस है होल का 1, तो डायमीटर हो गया 2। 2 डायमीटर में से ये रेडियस आर माइनस कर देंगे, ये टोटल है 2, इसमें से आर माइनस करेंगे तो ये 2 माइनस आर आ गया, ठीक। तो जैसे इसमें R1 था, R1 के जगह पर ये आया है, और जैसे R2 था उसकी जगह पर R-1 आया है, ठीक। तो M1R1 इज इक्वल टू M2R2 वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे, मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट इनटू 2 माइनस आर इज इक्वल टू मास ऑफ
होल, मास ऑफ होल का मतलब जो मास यहां से रिमूव किया गया है वो वाला मास, इनटू आर माइनस वन। ठीक, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है, तो रिमेनिंग पार्ट का मास कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कंप्लीट स्फीयर में से इस होल का जो वॉल्यूम है वो माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो कंप्लीट स्फीयर का वॉल्यूम था 4/3 πr³, और ये जो होल है उसका वॉल्यूम था 4/3 π, इसका रेडियस का होल की इसका रेडियस है 1, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट का मास हो गया इनटू 2 - r इज इक्वल टू, ये जो होल है ये स्फेरिकल है तो इसका डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम 4/3 π इनटू इसका रेडियस का होल, रेडियस इसका 1 है, तो ये तो हो गया इसका होल का मास इनटू आर माइनस 1, ये आ जाएगा, है ना। अब यहां से 4/3 π और रो कैंसिल करा जा सकता है, ये टर्म यहां से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी वो टर्म है, रो भी है, 4/3 π यहां भी, 4/3 π यहां भी, तो इधर बचेगा r³ - 1 इंटू 2 - r इज इक्वल टू, इधर बचेगा r-1। ठीक, अभी जो r³ - 1 है इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, ये आएगा r-1 इंटू r² + r+1 इंटू 2 - r इज इक्वल टू r-1, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने से इतना आ जाएगा, तो देखेंगे r-1 इस साइड से और r-1 इस साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल क्या रिलेशन आएगा, ये आएगा r² + r+1 इंटू 2 - r इज इक्वल टू 1, है ना। तो देखेंगे ये जो है ये थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, r² + r+1 इंटू 2 - r इज इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग रेडियस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।